Happy birthday. Hello friends, welcome to my channel and a very very good morning to all of you. तो फेस्टिव टाइम स्टार्ट हो चुकी है, तो सबसे पहले आप सभी को बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं. तो बस खूब खूब एंजॉय कीजिए और बहुत खुश रहिए. तो आज है 29th of September और कल था मोहलाया. तो आई होप कि आप में से बहुतों ने मोहलाया जो रेडियो पे देते हैं वो सुने होंगे या फिर टीवी पे देखे होंगे. बस मोहलाया आते ही दुर्गा पूजा, लगता है कि दुर्गा पूजा स्टार्ट हो चुकी है. एक बहुत ही खूबसूरत सी फीलिंग स्टार्ट हो जाती है. और आज एक्चुअली मेरा बर्थडे है, तो बस हमारा प्लान है कि आज हम बाहर डिनर करेंगे और शायद कोई मूवी देखेंगे. इसलिए मैंने कुकिंग का ज़्यादा कुछ नहीं रखा है, ब्रेकफास्ट लंच अलग अलग कुछ नहीं किया. मैंने एक ब्रंच टाइप बना लिया है, पराठा और एकदम सिंपल एक सब्ज़ी. तो बस वही हम खा के निकल जाएंगे, क्योंकि पराठा और सब्ज़ी काफ़ी हेवी रहता है और ज़्यादा तामझाम भी नहीं है, तो इसीलिए. और सच कहूँ तो बर्थडे वाले दिन में कुछ उतना कुकिंग वगैरह करना अच्छा भी नहीं लगता, तो इसीलिए थोड़ा सा कम ही रखा है. और हस्बैंड यहाँ पे मेरे बर्थडे स्पेशल खीर बना रहे हैं, जो काफ़ी स्पेशल है हम सबके लिए. चाहे घर का काम हो या बाहर का काम हो, लेकिन बीच बीच में खुद के लिए केयर करना बहुत इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि हम भूल ही जाते हैं मोस्ट ऑफ़ द टाइम. तो ये सेल्फ केयर के साथ साथ एक सेल्फ लव भी है. अगर हम खुद के लिए कुछ करें तो बाद में अपने आप को देख के एक अलग सी खुशी होती है. और मैंने यहाँ पे हेयर पैक के लिए लिया है 2 टेबल स्पून दही, 1 एग और थोड़ा सा ऑलिव ऑयल. बस इनको अच्छे से मिक्स करके एक अच्छा सा पैक बना लेंगे. और उसको अप्लाई करने से पहले बालों को बहुत अच्छे से कोम करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर बालों में टैंगल्स रहेंगे तो वो अच्छे से अप्लाई नहीं होगा. तो मैंने इस तरह से सेक्शन डिवाइड कर लिए हैं, तो बस इस तरह से सेक्शंस डिवाइड करके मैं अप्लाई कर लूँगी. तो बस हो गया मेरा हेयर पैक लगाना. अभी बस 20-25 मिनट्स के बाद मैं शैम्पू कर लूँगी. तो ये हेयर पैक सच में मेरे लिए तो बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव रहा, क्योंकि मेरे बाल काफ़ी ड्राई और फ्रीजी हो जाते हैं, तो इसीलिए बहुत अच्छे से नरिश करता है और ये लगाने के बाद बहुत ही रिलैक्स्ड फील होता है. और ये सच में बहुत ही इफ़ेक्टिव पैक है, मुझे तो बहुत अच्छा लगा. मैंने इसे कई बार यूज़ किया है, बीच बीच में नहीं होता, मिस हो जाता है, लेकिन आज काफ़ी दिनों बाद मैंने सोचा कि मैं अभी दुर्गा पूजा भी सामने है तो मैं ये लगाती हूँ, तो बस मैंने सोचा कि वो मैं आप लोगों के साथ भी शेयर करूँ. तो ये बालों को काफ़ी ज़्यादा सिल्की और सॉफ्ट बना देता है. तो बस बाल धोने के बाद जो कंडीशनर मैं यूज़ करती हूँ वो भी मैं घर में ही बनाती हूँ, तो वो मैं आपको आपके साथ मैं शेयर करूँगी. तो अगर ग्रे हेयर हो या फिर नॉर्मल हेयर में भी एक ब्राउनिश जो टिंज होता है, ब्राउनिश शेड, वो काफ़ी अच्छे से इसका इफ़ेक्ट आता है अगर हम इसको रेगुलर यूज़ करते हैं. और ये है वो कंडीशनर, ये और कुछ नहीं जो हम चाय पीते हैं, तो वही है लिक्विड टी. और अभी मैं इसको स्ट्रेन कर लूँगी. तो ये अभी गर्म है, ये ठंडा होने के बाद फिर मैं यूज़ करूँगी. शैम्पू होने के बाद इससे मैं बाल को धो लूँगी. तो ये कंडीशनर सच में बहुत अच्छा है.
बालों को काफ़ी ज़्यादा सिल्की सॉफ्ट और शाइनी भी बना देता है, तो मुझे ये बहुत पसंद है। तो ये मैंने बहुत बार यूज़ किया है पहले, क्योंकि बहुत पहले मैंने सुना था, तो सच में ये काफ़ी इफ़ेक्टिव है। लेकिन अभी यहाँ कभी कभी उतना टाइम नहीं होता शैम्पू करने के बाद, ये तो बहुत टाइम पे नहीं होता है। तो अभी बस फेस्टिव टाइम स्टार्ट हो चुका है, और वैसे हमें रेगुलर बेसिस पे ये अगर हम करें तो सच में हमारे जो हेयर है वो काफ़ी नरिशमेंट काफ़ी अच्छा होता है और सिल्की सॉफ्ट भी हो जाती है। बस अभी तो सामने दुर्गा पूजा भी है और सभी चाहते हैं कि हम अच्छा दिखे, और अगर हम इसको वीकली एक या दो बार भी करें तो इसका जो रिज़ल्ट है वो रियली विजिबल होता है। तो बस रेगुलर रहना है, जो नहीं हो पाता बहुत टाइम पे, भी जाती हूँ और शैम्पू कर लेती हूँ, फिर उसके बाद मैं मिलती हूँ आपसे। एक्चुअली प्लान में हमारे कुछ चेंजेस आ गए, क्योंकि बाहर काफ़ी बारिश हो रही है इसलिए हमने मूवी का प्लान कैंसिल कर दिया। तो मैंने सोचा था कि जब मैं बाहर जाऊंगी तो कुछ स्नैक्स मैं रोहन के लिए बना के लेके जाऊंगी, क्योंकि वैसे भी डिनर हम बाहर करेंगे, तो इसीलिए मैंने स्नैक्स घर से ही बनाने का प्लान किया था। लेकिन अभी तो नहीं जा रहे हैं, तो उसे भूख भी लग गई है, तो वो वही स्नैक्स खा लेगा अभी। यहाँ पे मैंने एक सिंपल सा एग मेयो सैंडविच बनाया है, जिसमें मैंने गाजर को ग्रेट करके दिया है। Happy birthday to you, happy birthday to you, happy birthday to dear ma, happy birthday to you, may God bless you, may God bless you, happy birthday to dear ma, happy birthday to you. Thank you. Thank you very much. तो आज जो रेस्टोरेंट पे हम आए हैं उसका नाम है रेड हॉट बफे रेस्टोरेंट, जो कि लीड्स के सिटी सेंटर में लोकेटेड है। और लीड्स में जो मूवी थिएटर है लाइट्स और ये रेस्टोरेंट एक ही एरिया में है। हमारा एक्चुअली ये सेकंड टाइम है इस रेस्टोरेंट पे।
तो इनके इंटीरियर काफ़ी खूबसूरत है, बहुत ही वेल डेकोरेटेड है और बहुत काफ़ी स्पेशियस है। और सबसे ज़्यादा इंटरेस्टिंग जो हमें लगी वो है उनका एंट्रेंस। तो उनका एंट्रेंस उन्होंने एयरक्राफ्ट केबिन थीम पे बनाया है जो काफ़ी यूनिक है और इंटरेस्टिंग है। और ये एक मल्टी क्विजिन रेस्टोरेंट है। यूजुअली हमें ऐसे बफे में वेज के ऑप्शंस थोड़े कम ही मिलते हैं, लेकिन यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा ऑप्शंस है। वेज नॉन वेज वैरायटी बहुत ज़्यादा है। और सबसे अच्छी बात जो है, यहाँ पे इंडियन क्विजिन के साथ साथ काफ़ी ज़्यादा ओरिएंटल डिशेस भी अवेलेबल है, जैसे चाइनीज़, जापनीज़, इसके साथ साथ इटालियन, मैक्सिकन, यूरोपियन। तो बहुत बहुत वैरायटी है, बहुत सारी चीज़ें एक साथ हम ले सकते हैं। लेकिन हाँ, उतना तो कोई खा नहीं पाता है, हम लिमिटेड ही खाते हैं, लेकिन हाँ वैरायटी काफ़ी है, ऑप्शंस काफ़ी है यहाँ पे। सेम चीज़ स्टार्टर और डेजर्ट के लिए भी है। और अनलिमिटेड लंच या डिनर आपको 10 pounds से 15 pounds के रेंज में मिल जाएंगे, लेकिन ये डिपेंड करता है कि आप वीकडेज में जाते हैं या वीकेंड में। और हाँ, एक चीज़ मैं बोलूँगी कि इनके ऑफ़र्स भी रहते हैं। जैसे फर्स्ट टाइम जब हमने विज़िट किया था तब उन्होंने एक कुछ कूपन दिया था। यूजुअली इनका बफे टाइम जो है ये 90 मिनट्स का होता है। ओवरऑल हमारा एक्सपीरियंस काफ़ी अच्छा रहा इस रेस्टोरेंट पे, क्योंकि पहली बार जब हम आए थे तभी हमें बहुत अच्छा लगा था, तो इसीलिए हमने डिसाइड किया कि यहाँ पे आएंगे फिर से। और इनके स्टाफ भी काफ़ी वेलकमिंग है और बहुत वेल बिहेव्ड है। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो बस अब कुछ देर पहले ही हम घर पहुंच गए हैं, कुछ देर पहले नहीं, करीब एक घंटा हो गया है हम पहुंच गए, और बस फ्रेश भी हो गए, और रोहन और रोहन के पापा तो सो भी गए हैं। मैं भी जाऊंगी कुछ देर में, और मैं बस ये बोलना चाहूंगी कि सच में आज का दिन मेरे लिए बहुत बहुत स्पेशल रहा, बहुत अच्छे से एंजॉय किया हमने, क्योंकि रोहन और रोहन के पापा ने काफ़ी बहुत अच्छे से सब कुछ अरेंज किया दोनों ने। और दोनों ही जाके उन्होंने शॉपिंग की, केक हो, कार्ड हो, फ्लावर बुके हो, मेरे लिए जो कि एक सरप्राइज ही था। उसमें बच्चे काफ़ी खुश रहते हैं जब पेरेंट्स की बर्थडे हो, तो बस वो भी पापा के साथ फुल्ली इन्वॉल्व हो गया शॉपिंग में, फ्लावर बुके, कार्ड, सब उसी की चॉइस की है, और बहुत बहुत अच्छा रहा।
मैं आपको दिखाती हूँ कि रोहन ने मुझे कौन सा कार्ड दिया है। तो ये वाला मैं पहले दिखाऊंगी। ये जो कार्ड है ये उसने बहुत पहले ही बना के रख दिया था, ऑलमोस्ट एक महीने पहले ही उसने मेरा बर्थडे का कार्ड बना के रख दिया था। और इस तरह से कुछ लिखा है अंदर। तो ये एक कार्ड उसका हैंडमेड है और ये कार्ड उसने मुझे दिया है। जो कि मेरे लिए बहुत ही स्पेशल है। तो बस आज का दिन बहुत अच्छे से गया, लेकिन वेदर अगर देखें तो दो दिन से वेदर काफ़ी ख़राब है। यहाँ पे बारिश हो रही थी सुबह से। तो बस इस ब्लॉग को ख़त्म करने से पहले मैं एक चीज़ आप लोगों के साथ शेयर करना चाहूँगी। हेयर मास्क मैंने आप लोगों के साथ शेयर की थी, तो बस उसको अप्लाई करने के बाद, और जो कंडीशनर मैंने दिखाया था, जो लीकर चाय जो होती है, सिर्फ मैंने वो दोनों चीज़ ही अप्लाई की है। जो एक ही एप्लीकेशन में इस तरह से शाइन आ जाता है और बहुत ही ज़्यादा बाल सिल्की और स्मूथ हो जाते हैं। सच में मेरे लिए तो 100% वर्क करता है, इसीलिए मैंने सोचा कि मैं आप लोगों के साथ ये शेयर करूं, क्योंकि अभी फेस्टिव टाइम है और हम सब घर में कुछ ना कुछ तो अप्लाई करते ही हैं। तो अगर आप चाहें तो आप ये हेयर मास्क अप्लाई कर सकते हैं, देख सकते हैं, क्योंकि ये सच में इफ़ेक्टिव है, इसीलिए मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया। आज का व्लॉग मैं यहीं पे ख़त्म करती हूँ। आई होप कि आपको पसंद आया है। अगर आपको अच्छा लगा है तो एक लाइक आप ज़रूर कीजिए। सब्सक्राइब करने के बाद नोटिफिकेशन बेल को ज़रूर क्लिक कीजिए, ताकि मेरे जो भी अपकमिंग वीडियोस, व्लॉग्स आएंगे उसके सारे नोटिफिकेशंस आप तक पहुँचें। अभी तो फेस्टिव टाइम स्टार्ट हो चुकी है, तो काफ़ी सारे नए नए व्लॉग्स और वीडियोज़ मैं लाने की कोशिश कर रही हूँ आप लोगों के सामने। आप सब बहुत बहुत अच्छे से रहिए, खुश रहिए और अपना ध्यान रखिए। बाय बाय, सी यू, टेक केयर एंड गुड नाइट।